ओहो, ये हाल देखें भाई। ये जी अभी छुट्टी हुई है, काम से निकले हैं काम से, और ये सिचुएशन है बाहर का। मौसम बहुत ख़राब है, -30 हो रहे हैं अभी। तो कल और ज़्यादा मतलब ठंड होने का क्या क्या इम्कान है। गाड़ी का हाल देखें। मैं ये तो फिर भी हम लोग ब्रेक में गए थे, हमने साफ़ किया था, लेकिन दूसरी गाड़ियों का हाल देखें। और क्या कहें अब, कुछ तो गाड़ी भी साफ़ करनी है। और ये ले चाबी ले लें आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये चाबी ले लें। और ये हालत है जी, बर्फ़ कितनी गिरी हुई है और शाहजहाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हाल है जी। अब मेरे ख्याल से जाते जाते अपना असर दिखा रही है, तो थोड़ी सर्दी होगी, उसके बाद जो है फिर से मौसम सही होगा। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि स्नो गिरती है तो आपको काम के बाद आके जो है ना गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है। और ओहो, हाथ फ्रीज हो गया मेरे यार, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। देखो खुला हुआ नहीं है, मैंने यहाँ से खोल दिया है। अरे ये चाबी दो, चाबी लो, चाबी लो, जल्दी साफ करो यार। ये रिजर्व पार्किंग है हमारे लिए, लंगड़ों के लिए। हाँ मैं आ गया जी अंदर, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी, हाथ में मोबाइल रखा हुआ था बाहर। तो अब जानशीर को कहा कि आप जो साफ करें गाड़ी को, और बगैर साफ किए हुए जो ना बहुत मसला होता है जी। देखें अभी भी गाड़ी 15 मिनट पहले जो है इसको ऑन किया था, और अभी देखें कांटा सिर्फ थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और जी जानशीर ने साफ किया पूरा। हाँ, और ये हो गया जी, खुद ही कहा था मैं गाड़ी साफ करूंगा, तो दिखाओ जरा ये बेचारे के हाथ देखो, येलो जम गए पूरे हाथ। ये बेचारे का खून नहीं है बस, ये 5 मिनट इसके कपड़े देखो बर्फ से जो ना पूरे जैकेट जी, कोई नहीं, सर्दी का यही हाल होता है जी। कोई नहीं गाड़ी भी आप देख सकते हैं कि सही से साफ नहीं हुआ अभी तक। ये अभी आवाज चेक करना, सिर्फ ये नहीं खुल रहा था। ये सुनो देखे यहाँ पर, ये सुनो देखिए कितना स्नो गिरा हुआ है। ये सारे जो है साफ करके यहाँ एक जगह पर जमा कर दिए, इस तरह एक जगह की नहीं है, वो आगे भी जाके देखो। नहीं नहीं हर जगह पर ऐसे मिलेंगे आपको। बंद कर दो यार, बंद कर दो। क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे कान देखो लाल हो रहे हैं। ये स्टीयरिंग ठंडी हो रही है ना, इसलिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ओ इधर देखो, उधर भी बर्फ है, हर जगह बर्फ ही बर्फ। इसलिए हम ड्राइव नहीं करते, इस वजह से हम ड्राइव नहीं करते, बहुत ठंड की वजह से। अबे यार ठीक है, गर्मियों में करेंगे शाहजहाँ। इस गाड़ी वाले ने थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं की कि पीछे का शीशा साफ कर लिए, इसको दुश्वारी होगी फिर ड्राइव करने में। और देखो कितना बगाड़ है, लेकिन गाड़ी नहीं जा रही क्योंकि उसके टायर सिर्फ फ्रंट फ्रंट ड्राइव है ना, इसलिए फ्रंट ड्राइव है, इसलिए सिर्फ नहीं, इसको टिकट नहीं मिलेगा। ये सारे रोड कैसे हो रहे हैं। तो भाई हमने फैसला किया है कि हम लोग हाईवे से नहीं जाएंगे, क्योंकि हाईवे में इस मौसम में आप जा सकते हैं, अच्छा है क्योंकि उसको ज्यादा साफ करते हैं, लेकिन जाना तो हाईवे से चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि वजह ये है कि वहां से बड़ा रश होगा गाड़ियां। यार यार तुमने ये देखो क्या कर दिया, मैंने क्या कर, सिंगल तोड़ दी तुमने यार। नहीं सिंगल नहीं तोड़ा वो। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए इस मौसम में जो है ना, अगर वो रेड भी है आप निकल लो, क्योंकि इसमें कोई गाड़ी वाले टेंशन नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, पुलिस को भी पता है कि इस टाइम पे जो है कोई अगर ब्रेक भी मार दे ना, तो उसकी गाड़ी जो है वो डायरेक्ट स्लिप होती हुई वो खराब हो जाएगी, किसी को टोक देगी गाड़ी, स्लिप हो जाएगी। यहाँ सही बात है, स्लिप हो जाएगी। आप इसीलिए आराम से चलाएं, हाईवे के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे अंदर के रोड से। अब देखते हैं अंदर का रोड कैसा होगा ना, हाईवे में रश होता है, सही बात है। अब देखते हैं कि अंदर के रोड साफ है या नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। आप समझिए कि हमारा सफर अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जो पीछे का रोड बिल्कुल साफ था। अब यहाँ से देखते हैं कि रोड साफ है या नहीं है।
चलो ये बहुत अच्छी बात है कि रोड साफ है, वरना हम लोग फिसलते निकल लेते पहुंच जाते यार। स्पीड भी तुम्हारी अच्छी है, देखो अभी 70 पे जा रहा हूँ, 70 पे जा रहे हो, वरना 80 का स्पीड है वैसे, 80 का स्पीड है, फिर भी स्लो जा रहे हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं भाई, खयालदारी करनी पड़ती है, ऐसा ना हो कि गाड़ी साइड में निकल जाए। और जी ये हमारी सिटी की गाड़ी नजर आ रही है आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्नो साफ कर रही है, जैसे स्नो गिरी है, बर्फ गिरी है, उसको साफ कर रहे हैं। देखिए पत्थर की आवाज सुनी आपने, ये जो गाड़ी के शीशे में लगी है अभी पत्थर, क्योंकि वो पत्थर फेंक रहा था, वो अभी भाई हमें साफ करके फिर पत्थर फेंक रहा था कि गाड़ी की जो है स्लिप वगैरह ना हो। ये सारी जगह अभी आप सबको जो है ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन गर्मियों में ग्रीन 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 ग्रीन, अभी पूरा आप दूर तक देखें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट चादर। वो कहते हैं यहाँ पर बीच में पानी वगैरह होता है, वो पानी वगैरह सब फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है सारी जगह व्हाइट व्हाइट है। अभी रोड आपको सिर्फ रोड दिख रही है थोड़ा सा, यार शुक्र है अल्लाह का कि रोड हमें बिल्कुल साफ मिले, और मैं बिल्कुल अपनी स्पीड पे जा रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ पे 40 की स्पीड पे चलना पड़ता, एहतियात जरूरी होती है हमारे लिए, लेकिन शुक्र है कि भाई सिटी वालों ने रोड को बिल्कुल चकाचक साफ कर दिया। ये जगह देखो यहाँ पर पानी होता है ना जमा, हाँ ये अभी लेकिन पानी है इसके अंदर पानी है, लेकिन जम गया है पूरा भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक -32-35 में जो है इंसान जम जाता है, ये तो फिर भी पानी है। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, यहाँ से हमारा बस मतलब एरिया ही हमारा है, इलाका शुरू हो जाता है हमारा ही एरिया है, किसका है हमारा एरिया ही है, अपुन का एरिया है। यहाँ से स्पीड से जाएंगे भाई, यहाँ तो बिल्कुल यहाँ के लेकिन सुनो है, यहाँ पर सुनो है भाई, लेकिन वैसे रूल के मुताबिक 30 की स्पीड से ही जाना पड़ेगा हमें। हाँ रूल के मुताबिक गाड़ी आप यार सारे पैसे फंसे हुए हैं बेचारे, यहाँ पे आपको गाड़ी के कलर का पता नहीं चलेगा, सारी गाड़ियां जो है ना व्हाइट व्हाइट नजर आ रही होंगी, कुछ गाड़ियां हैं जिन्होंने साफ करके रखी हैं बस, बाकी देखो ये जितने भी गाड़ियां हैं बेचारों के सारे स्नो से वजह ना चुप गए इसके कलर वगैरह, लगते ये लोग काम पर भी नहीं है। नहीं ना, अगर काम पे जाते तो ये ऐसा नहीं साफ होता, साफ होता। या सर्दी जो ना जाते जाते भी क्या कहते हैं अपना जलवा रंग दिखा के जाएगी भाई, जलवा दिखा के जाएगी। देख सकते हैं ना कि अब पिछले दो वीक मतलब 10-15 दिन इतना अच्छा वेदर था, प्लस पे जा रहा था, +4-5 और सडनली जो है कल से स्नो स्टार्ट हो गई है, और कल परसों तक पेशेंट को भी है कि स्नो गिरेगी और ठंड बहुत ज़्यादा होगी तकरीबन कल सुना है कि -40 तक जा सकती है। -40 काम में ऑफ हो ना मज़ा आएगा, नहीं होगा लेकिन ऑफ नहीं होगा, काम पे जाना है जितना भी कुछ हो, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से लोकल इमरजेंसी नहीं लगती ना, आपको काम पे जरूर पहुंचना है, चाहे आंधी हो तूफान हो इतने सारे बर्फ गिरे हो आपकी गाड़ी कहीं बंद हो, आपको काम पे पहुंचना है कुछ भी करके, इसलिए ये मुल्क आगे है भाईजान। अदरवाइज आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में हमारी तो ऐश होती थी जब बारिश होती थी, बारिश नहीं जाते थे स्कूल, पकोड़े शकोड़े ये चाय वगैरह, सुबह ऐसे ही उठते थे अम्मी कहती थी बस सो जाओ बेटा सो जाओ बारिश हो रही है। अब तो सुबह खुद आंख खुलती है और देखते हैं कि इतना सारा बर्फ गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अब अपने आप को ये कहते हैं कि है कोई नहीं काम पे जा रहे हैं, चले भाई घर भी पहुंच गए, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, अब देखते हैं कि घर के सामने जो बर्फ है वो गाड़ी स्लिप हो रही है। अब्बू तो कह रहे थे कि सुबह मैं साफ करूंगा, मैंने मना कर दिया उनको, मैंने कहा नहीं आप साफ ना करें, ठंड बहुत थी ना सुबह, फिर मैंने उनको देखो अब्बू ने साफ की, मैंने उनको कहा था कि साफ ना करें। ये हमारे हमसाए कहीं जा रहे हैं पता नहीं, या फिर आ रहे होंगे काम से, आ रहे होंगे हमारी तरह, यहाँ से उतर जाओ भाई जरा सा इलाका दिखाओ भाई लोगों को। ये सूरत हाल है जी, आज सिर्फ आज के दिन स्नो गिरी है और इतनी सारी गिरी है कि पूछो मत। ये अब नहीं साफ कहाँ कर सकते हैं भाई, इतना वॉकवे साफ है पता है कौन करता है। हाँ
वो हमसाया हमारा जो हमारे घर का किया था, हाँ उसने शायद साफ किया है। हाँ ये पूरा साफ कर देता है बेचारा पूरा आखिर तक। और मशीन है ना वो बेचारा ऐसी, हाँ वो बेचारा मशीन के जरिए सारा साफ कर देता है। और ये सिचुएशन है जी, ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना हमारे दांत, हमारे हाथ, हमारे जुबान सारा फ्रीज हो जाएगा, वरना -30 है यार। चलो चलो चलो, हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और इतनी सारी स्नो गिरने के बाद आप देख सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भी बंद कर देता हूँ मैं। टाटा, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें।